topic. Okay, we already mentioned it. Present tense, in present tense, there are four kinds: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Okay, now let me see. What about past tense? So past tense ka yahi funda rahega. Is way mein simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, then after future. Future will be as it is, simple future, future continuous, future perfect. It denotes an action that has just
अभी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव रिटन माय एसे, मैंने अपना एसे लिख लिया है। ओके, ही हैज वर्कड द सम, ही हैज वर्कड द सम, वो सम पे वर्क कर चुका है, मतलब एक्शन जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इसके लिए यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अभी परफेक्ट इज कंप्लीट हुआ, अभी कंप्लीट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, उसका जो फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव या हैज, हैव और हैज जो है वो परफेक्ट के लिए यूज होने वाले वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट, ये जो है अपना सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैव। अब हैव फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए है और थर्ड पर्सन के लिए हैज यूज होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म है ना, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट जो भी है, मतलब कि राइट है, राइट बजे से वो खेल रही है।
टू डिनोट सिंगल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में कुछ एक्शन हुआ है वो डिनोट करने के लिए, जस्ट लाइक सचिन अगेन स्कोर्ड अ सेंचुरी, सचिन ने अगेन दोबारा सेंचुरी स्कोर की, मतलब पास्ट खत्म हुआ। ओके, प्रेजेंट की जगह पे पास्ट देखिए, पर यहाँ पे बात एक बात
simple past, then after. Okay, then after past continuous, and now it is past perfect. यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं पूरा फ्यूचर और अभी ये पास्ट के दो टेंस जो बाकी हैं वो. ओके, टिल देन थैंक यू.